चावां दे नाल अपने भरा वर्गे दोस्त नूं शगन लगवाउण दे लई इह मुंडा उसदे परिवार समेत नवां शहर दे वल जा रहा सी। रस्ते दे विच इस गड्डी दे विच सवार लोकां दे नाल अजिहा दर्दनाक हादसा होया कि इस परिवार दीआं खुशियां गम दे विच बदल गईआं। इको ही परिवार के सारे जी किस तरह के नाल फटड़ होए अते अपनी जान गवा बैठे ये सुन के किसी की भी रूह कंब जाए। दरअसल जदों टोल प्लाजा के नेड़े ही कार पहुंची तो उस तो बाद कट्ठियां कारां जिस दे विच रिश्तेदार अते परिवारिक मैंबर मौजूद सी अपना अलग अलग राह फड़ लैंदे ने, पर पता ही नहीं लग्या कदों एक कार पुल ते जांदी जांदी पलटियां खाण तो बाद पुल तो हेठां जा डिगी। इसे कार दे विच शगन वाले मुंडे की माँ उसकी दादी दादा समेत दोस्त मौजूद सी जिन्हां ने मौके ते ही दम तोड़ दिता। दादा जख्मी हालत दे विच हस्पताल दे विच भर्ती है जदों कि बाकी का सारा परिवार खत्म हो चुका है। दस दिए कि उस मुंडे ने जिसनों की शगन पैना सी वह पिछली कार दे विच ही आ रहा सी। उसने अपने अखी अपने सारे टब्बर नू एक एक करके खत्म हुंदे देखिया। दर्दनाक खबर लुधियाणा तो सामने आई जिस तों बाद हर किसी का दिल दहल गया। लुधियाणा दे विच इक अजिहा दर्दनाक हादसा होया जिथे इको परिवार के कई जाने अपनी जान गवा बैठे। हादसा इन्ना ज़्यादा भयानक सी कि देखण वालियां दी वी रूह कंप गई। पुल तो हेठां डिगी कार दे विच इको ही परिवार के तीन जाने जिस दे विच दो औरतां शामिल सन उन्हां दी जान अपने अखां दे सामने ही परिवारिक मैंबरां ने जांदे देखी सी। इस घर दीआं खुशियां उदों गम दे विच बदल गईआं जदों पता लग्या कि लुधियाणा दे टोल प्लाजा दे कोल ही बाईपास ते शुक्रवार नूं इक वड्डा हादसा होया। इस हादसे दे विच तीन जाने अपनी जान गवा चुके ने। मरण वालियां दे विच मोगा दा रहण वाला इह परिवार है जिस तों बाद एक व्यक्ति जख्मी हालत दे विच हस्पताल दे विच वी भर्ती है। कार इन्नी ज़्यादा तेज सी कि उसते कार चालक संतुलन ना पा सकिया जिस तों बाद पुल तो हेठां ये कार जा डिगी। दस्या गया कि संतुलन बिगड़न तो बाद कार पुल तो नीचे खेतां दे विच डिगी सी। हादसा होने तो तुरंत बाद घटना स्थान पर मौजूद लोगों के वलों एंबूलेंस अते पुलिस कंट्रोल रूम नूं इस गल की सूचना दी गई सी। घटना की जानकारी मिलन तो कुछ देर बाद ही थाना लाडोवाल की पुलिस मौके पर पहुँच गई सी। पुलिस ने मौके पर पहुँच के कार दे विच सवार लोगों नूं जिथे बाहर कढ़िया उस दे नाल ही पता लग्या कि इस दे विच दो औरतां अपनी जान गवा चुकिया ने जो कि आपस दे विच नूं सस्ता रिश्ता रखदिया ने। मरण वाले वरना कार दे विच सवार सन। हादसे वाली कार दे पिछे दो कारां होर आ रही सन जो कि इन्हां दियां ही रिश्तेदारां दियां सन। दस्या जा रहा है कि मरण वाला मोगा दे पिंड पिंडर कला दा निवासी है। इन्हां दे विच पिंकप्रीत सिंह, कुलविंदर कौर अते रणजीत कौर शामिल ने। कुलविंदर कौर अते रणजीत कौर आपस दे विच सस नूं ने अते गड्डी नूं उस समय पिंकप्रीत सिंह चला रहा सी। जानकारी देंदे हुए जांच अधिकारी रजिंदर सिंह दे वल्लों दस्या गया कि ये परिवार अपने पुत नूं शगन लगवाउण दे लई नवां शहर लैके जा रहा सी। जिहड़ी गड्डी हादसा ग्रस्त हुई है इस कार दे विच शगन वाले मुंडे दा दोस्त, उसदी माता, दादी अते पिता बैठे हुए सन। दस दिए कि इसे कार के पिछे वरना कार के विच सवार हो के वह शगन वाला मुंडा भी जा रहा सी जिहड़ा कि सफारी गड्डी नूं लैके आ रहा सी। दस दिए कि अपने सारे परिवार नूं अखां दे सामने खत्म हुंदे उस मुंडे ने अपनी अखां दे नाल देखिया जिसनों कि शगन लगना सी। वरना कार दे पिछे ही वह मुंडा भी सफारी दे विच बैठ के आ रहा सी कि उसकी अखां दे सामने ही उसका सारा परिवार उस समय खत्म हो गया जदों उसनों शगन लगवाउण दे लई नवां शहर लैके जा रहे सन। शहर के लाडोवाल टोल प्लाजा नेड़े वड्डा हादसा वापरिया जिथे पुल तो कार पलटन दे नाल दो औरतां सने एक नौजवान अपनी जान गवा बैठे। एक बजुर्ग बुरी तरह दे नाल जख्मी है जिसनों मोगा दे हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। जानकारी मुताबक गड्डी तेज़ रफ्तार दे नाल जा रही सी जिस दे नाल उसका संतुलन बिगड़ गया। गड्डी पुल तो हेठां खेतां दे विच जा डिगी। हादसे तो तुरंत बाद घटना वाली थां ते मौजूद लोगों ने ही जख्मियों नूं हस्पताल दे विच पहुँचा दिता सी। पता लग्या कि गड्डी तेज़ रफ्तार दे नाल जा रही सी जिसके कारण उसका संतुलन बिगड़ गया। हादसे तो तुरंत बाद घटना वाली थां ते मौजूद लोगों ने
हिम्मत कीती अते पुलिस कंट्रोल रूम ते वी इस गल दी जानकारी दिती। जानकारी मिलन तो बाद पुलिस मौके ते पहुंच गई सी। पुलिस ने मौके ते पहुंच के कार ते विच सवार लोगों नूं बाहर कढ़िया अते पता लगाया कि आखिरकार यह परिवार कित्थों दा है अते कित्थे जा रहा सी। जांच अधिकारी रजिंदर सिंह ने दस्या कि यह परिवार अपने पुत्र दा शगन पाउण दे लई नवां शहर जा रहे सन। जिस गड्डी नूं हादसा ग्रस्त होए देखा गया, इस कार दे विच शगन वाले मुंडे दा दोस्त, माँ, दादी अते दादा बैठे हुए सन। पिछे आ रही रिश्तेदारां दे वल्लों की कुछ दस्या गया, उन्होंने अपनी अखां दे नाल इह भयानक हादसा किंज देखिया। आओ सुन लैंदे आं उन्हां चश्मदीद रिश्तेदारां दे वल्लों जिन्हां दे वल्लों इह सब कुछ दर्द बयान कीता गया। मेरा नाम अमरजीत कौर है बेटा। मैं असीं तां पिंड गलां तों पुत्त। असीं नवें शहर जा रहे सी पुत्त शगन पाउण। ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚਾਰ ਜਣੇ ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮਰੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਮਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਲਟ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਲੀ ਉੱਚੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਲੋਟਣੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਦਰਖਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਝੱਕ ਕੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੁੜਮ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਕਾਲੀ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ। ਚਾਰ ਜਣੇ, ਤਿੰਨ ਮਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਮਾਈ ਬਚਿਆ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਪੁਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਲਟੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਸਮੇਤ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ। ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੀ ਸੀ।